सारे वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कई बार इन वीडियो के चक्कर में लोगों की जान भी चली जाती है, तो कई बार नियमों की धज्जियां भी उड़ती है। फिलहाल एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पटना में लगातार यातायात के नियमों को लेकर लोगों से फाइन वसूला जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। ना तो उन्हें यातायात के नियमों की परवाह है, ना ही कानून का डर। अब ऐसे लोग सरेआम हथियार का प्रदर्शन कर पुलिस को भी चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से मरीन ड्राइव यानी कि गंगा पथ से सामने आया है। एक और लड़की बाइक पर बंदूक लहराते दिखी है। इसके दोनों हाथ में बंदूक देखकर लोग इसे रिवॉल्वर रानी कह रहे हैं। चलती बाइक पर बंदूक लहराते दिखी लड़की, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिख रहा है कि चलती बाइक पर एक लड़की खड़ी हो गई, उसका दोस्त बाइक चला रहा है, वो लड़की बेखौफ होकर हवा में बंदूकें लहरा रही है। इतना ही नहीं, लड़की इसका वीडियो बनवाती है और सोशल मीडिया पर शेयर भी करती है। दरअसल इस लड़की का इंस्टाग्राम पर आईडी है जिसमें कई सारे रील्स हैं, उसी पर हाल के दिनों में ये वीडियो बनाकर अपलोड किया गया। सीएम नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के फेज 2 का शुभारंभ कर चुके हैं। जेपी गंगा पथ के फेज 2 का शुभारंभ 14 अगस्त की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कुछ दिन पहले इसी सड़क पर एक दूसरी लड़की का हथियार लहराते वीडियो भी वायरल हुआ था। इसने खुद का नाम हंटर क्वीन रखा था। अब देखना ये है, फिलहाल वायरल हुई लड़की के हाथ में जो हथियार जैसी चीज दिख रही है वो क्या है, पुलिस लड़की की तलाश कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है एक लड़का बाइक चला रहा है जबकि पीछे बैठी लड़की दोनों हाथों में पिस्टल जैसी चीज लहरा रही है।